नमस्कार, मैं हूं दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बड़ोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू वेस्ट ट्रेन और एक लोडिंग ऑटो में हादसा होते होते बचा। प्रॉपर्टी डीलर पंकज और सुदीप सिंह सिकरवार की हत्या के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर आईजी को परिजनों ने सौंपा ज्ञापन। ग्वालियर के दानावली स्थित चंपावत जैन मंदिर में 19 जून से 5 अगस्त तक अखिलेश श्री भक्तमर पाठ आराधना का समापन, मौनी श्री 108 संस्कार सागर महाराज के सानिध्य में हुआ संपन्न और जीडीए की बड़ापुर स्थित जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम। अब समाचार विस्तार से। प्रॉपर्टी डीलर पंकज उर्फ सुदीप सिंह सिकरवार की हत्या के मामले में आज उनके परिजनों ने फरार आरोपियों के अति शीघ्र गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर आईजी राजा बाबू सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान खौफजदा परिजनों ने आईजी के समक्ष मांग करते हुए कहा कि उनके फरार आरोपियों से जान का खतरा है, इसलिए शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एसपी साहब के पास कलेक्टर साहब कैसे हैं? बढ़िया है। अभी नाम क्या है? जो भी नाम आप जो भी चाहते हैं बताने हैं तो कलेक्टर बता दीजिए। आप इस बात को देने नाम लगे सर। अभी आप क्या करोगे? मैं रोज रिपोर्ट लेता हूँ। अभी सैलूपुर से गया था, 8 वारदातें बताई उसने, जो उसको पकड़ करके लाए। मैं स्वयं ओमकार सिंह से करवा रहे। आज आपने ज्ञापन दिया है किन मांगों को लेकर? किन को ज्ञापन आपने सुना? हमने आईजी साहब को ज्ञापन दिया था जल्द से जल्द कार्रवाई और इनाम को बढ़ाने के लिए और एक विशेष टीम तैयार करने के लिए आईजी साहब को ज्ञापन दिया था। आपने शस्त्र की भी मांग की? हाँ, शस्त्र की मांग की और आईजी साहब ने हमें बोला है शस्त्र के लिए आईजी साहब ने बोले स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके केस में इतना लेट हो रहा है, क्या आपको लगता है? हाँ, आज घटना से आज 28 दिन हो गए हैं और मैं प्रशासन के द्वारा संतुष्ट कार्रवाई ना होने की वजह से ही आज हमने ज्ञापन दिया है और आजी साहब ने जो बोला है उससे हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं और उम्मीद है कि आजी साहब अच्छे से अच्छी कार्रवाई करेंगे। अभी आपके पास भी लोग आए थे, किस तरह की बात कही आपने? क्या पंकज सिकरवार हत्याकांड को लेके हम शुरू से बहुत गंभीर थे और हमने तत्काल, पहली तो ज़रूरत थी कि वो जो दो बाइक पर आए थे रियल शूटर कौन थे उनको आइडेंटिफाई करने का इशू था। हमने तत्काल काम करके वीडियो फुटेज निकाल करके उनको एनालाइज करके जो डाटा है सीडीआर उसको लेकर के हमने आइडेंटिफाई किया कि वो चार शूटर थे, राधे, परमान, आशू और सोनू। उसमें राधे को हमने पकड़ लिया है, बाकी जो तीन लोग हैं वो रह गए हैं, उनके लिए मैन हंट इज ऑन। मैं स्वयं रोज सुबह शाम प्रोग्रेस मॉनिटर करता हूँ। दे हैव रन अवे, दे आर रनिंग अवे एंड वी आर चेजिंग देम। कई बार क्या होता है, क्रिमिनल्स भगता है, क्रिमिनल्स को चेज करना पड़ता है, लेकिन हमारी जो चेज है लगातार जारी है और उसमें कोई स्लैकनेस नहीं है और जल्दी ही हम पकड़ेंगे। यही नहीं, दो लोगों को आइडेंटिफाई किया है हमने, एक हरिओम भदौरिया और उसका एक छोटा भाई है जिन्होंने उसको उनको हार्बर किया था, उनके यहाँ रहे थे 15 दिन, रह करके रेकी किया था। इवन अपराध करने के बाद भी उनको भगाने में उसका योगदान रहा है, उनको भी हमने मुलजिम बनाया है और हम बड़े सीरियस हैं। होता ये है कई बार कि अपराधी क्यों भगने के लिए पूरा देश पड़ा है, वो भगना शुरू कर देता है एंड हम लगातार चेज कर रहे हैं और हमारी तरफ से बिल्कुल कोई स्लैकनेस नहीं है। आज उनकी जो मांग है कि इनाम बढ़ा दिया जाए, मैंने बोला है अपने ऑफिस में कि पुलिस अधीक्षक ग्वालियर का अगर प्रतिवेदन आया है मैं आज ही इनाम बढ़ा दूंगा। उनको जो शस्त्र लाइसेंस देने की बात है उसको भी हमारा रिकमेंडेशन रहेगा और हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए कृतसंकल्प है और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी हम कृतसंकल्प। जीडीए की बड़ापुर स्थित भूमि को लेकर रहवासियों और प्रशासन में ठन गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है कि जीडीए ने कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर लिया है। जीडीए की इस भूमि पर एसडीएम प्रदीप तोमर और सीएसपी सौरभ समीर के साथ प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। क्या
नासिर खान है। नासिर खान नासिर जी, क्या विवाद चला रहा है? ये साहब कब्रिस्तान की भूमि है, कब्रिस्तान की भूमि कोई किसी के नाम ना करवा सकता, ना बेच सकता, ना लड़ सकता। इसमें कुछ फर्जी लोगों ने अपने नाम करवा लिए, उससे हमारा बबूट भोपाल में केस चला अधिकरण में, उसकी अधूरी कॉपी आई हमारे डिसीजन में। इन्हें हाईकोर्ट में अपील करके उसको जो है ना स्टे की बता रहे हैं। अब हम हाईकोर्ट की कॉपी निकाल के इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा ये बताया जीडीए का कोई रोल नहीं है, ये कब्रिस्तान भूमि किसी की होती ही नहीं है, ना कोई इसको अपनी बना सकता है, ना खसरों में। ये जो है ना सब फर्जी लोगों ने करवा रखा काम। पुलिस भी आई है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को हमने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दे दिया, आप वो जो निराकरण करेंगे इसमें होगा, केस चल ही गया हाईकोर्ट में हमारा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान बना दे ना। ये ग्वालियर विकास प्राधिकरण का ये कहना है, वो उनकी जमीन थी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण थी वर्तमान फसलों में, तो उसका चूंकि पहले भी कब्जा लिया गया था 3-4 साल पहले, तो आज भी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी उसका कब्जा लेने गए थे। तो वहाँ पे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों द्वारा ये आपत्ति करी गई कि कब्रिस्तान है, ये प्राइवेट जमीन नहीं है। उसी का विवाद था, तो चूंकि वहाँ विवाद की स्थिति थी, तो दोनों पक्षों से कागज बुलाए गए हैं, उनके अभिलेखों का और परीक्षण करके तभी स्थिति क्लियर हो पाई। तो पत्थरबाजी कैसी भी हुई थी, लेकिन विवाद की स्थिति थी, तो दोनों पक्षों को समझाया गया और उनसे अपने अपने कागज मांगे गए, जो अपने मतलब उनको 3-4 दिन का टाइम दिया गया, कागज प्रस्तुत करेंगे, परीक्षण उपरांत स्थिति हमें स्पष्ट कर पाएंगे। हाँ, पुलिस बल तो चूंकि वो कभी भी कब्जा लेने या अतिक्रमण करने की कार्रवाई करी जाती है, तो लैंड ऑर्डर की दृष्टि से पुलिस बल जाता है। मुरार सिविल हॉस्पिटल में नर्स व डॉक्टर्स द्वारा मरीज का सही इलाज नहीं करने को लेकर विवाद हो गया, मौके पर लोगों ने हंगामा कर दिया। वीडियो बना मरीज परेशान हो ये अभी मुरार हॉस्पिटल में जो विवाद हुआ है, किस कारण हुआ है, कौन ने किया? ये आम लोग जो उसमें कल से भर्ती हैं, जिन्हें 24 घंटे हो गए, ना तो उन्हें कोई ट्रीटमेंट मिल रहा, ना उन्हें कोई डॉक्टर देखने आया, उनको ना भूतक जड़ाई, वो ऐसे गरीब लोग हैं जिनको तुरंत इलाज की ज़रूरत है। इस जिला अस्पताल के अंदर उन्हें कल से आज तक कोई दिख नहीं। जो नए लोग आ रहे हैं पर्चा बनवाने के लिए, खिड़की पे आदमी नजर आ रहे थे, पर्चा बनाने वाले नहीं हैं। जो प्राइवेट लोगों को भेजा है इन्होंने, प्राइवेट संस्था के लोग बैठे हुए हैं, ठेकेदार के लोग बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटर से पर्चा बना रहे हैं, ये पर्चा क्यों नहीं बना रहे? जबकि आदमी 10 रुपये देता है पर्चे के, 10 रुपये का पर्चा पहले बड़ी बनता था, अब 10 रुपये का पर्चा पैसे देने के बाद भी वो लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं पर्चा बनवाने वालों के पेशेंट के साथ कि जिसकी कोई सीमा नहीं। काम ना करने का कारण क्या है? काम ना करने का कारण ये है कि यहाँ पर अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, नर्सें काम करना नहीं चाहती। अभी पिछले बार एक नर्स थी, इस साल 2 नर्स हैं, तो अब दो नर्स कह रही है एक नर्स की और जरूरत है। अरे आप खुद तो काम करो। सिविल सर्जन को बोला, सिविल सर्जन बोला नहीं हो रहा है, अभी होगा, अभी करते हैं। अरे अभी होगा, अभी करते हैं, इतनी देर में तो पेशेंट की जान चली जाएगी। आगे इसका क्या निर्णय लिया गया? अगर इसकी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत ग्वालियर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं ने नगर निगम ग्वालियर में योग्यता अनुसार पदों पर नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर निगम मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। Yeah.
मैम आप सुन तो लीजिए रहा हूँ क्या बोले आप बोलो पहले एक बात सर गए सर ने उनसे बोला है वो आपने बोला सर ने बोला सर ने बोला ना सर को देना चाहिए ना सर के बोलने से कुछ नहीं है तो सर को आ जाने दो भारत माता की जय 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 हमारी मांगे पूरी करो 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 भारत माता की जय 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 बोलो मातरम वंदे मातरम ट्रेनिंग ले रहा हूं अगस्त में पूरी होने वाली है। हमने कल आयुक्त जी को आवेदन किया कि हमारी मांग पूरी करो और हमें रोजगार दो। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने आके उनकी गाड़ी के सामने प्रदर्शन किया और उन्हें आश्वासन भी नहीं दिया। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है यहाँ आके आयुक्त जी के यहाँ। हमारी आयुक्त जी का पता नहीं गाड़ी छोड़ के चले गए। अब हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे भी प्रदर्शन करेंगे। हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। हमारी मांग पूरी करो, हमारी सुनवाई। कमलनाथ जी ने युवा सम्मान योजना स्टार्ट की थी, उन्होंने ट्रेनिंग के साथ साथ नौकरी का वादा किया था पर वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। हमारा जो बेरोजगार भत्ता था वो भी नहीं आया है। रियासत काल से चली आ रही ग्वालियर की छुप छुप गाड़ी यानी नैरो गेज ट्रेन कई बार अजब तमाशे दिखाती रहती है। कभी ये घाटी नहीं चढ़ पाती तो कभी ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण ट्रेन वहीं अटक जाती है। लेकिन आज नैरो गेज ट्रेन के साथ एक अजीब हादसा हो गया। आज ट्रेन के ड्राइवर को उस समय इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े जब एक लोडिंग वाहन ट्रेन के बिल्कुल पास आ गया। दरअसल आज भोड़ापुर क्षेत्र में ट्रेन हादसा होते ही बच गया। ग्वालियर से श्योपुर जाने वाली नैरो गेज ट्रेन जब भोड़ापुर से गुजर रही थी तभी एक लोडिंग वाहन ट्रेन के सामने ट्रक पर आ गया। उधर ट्रेन का ड्राइवर लगातार सीटी दे रहा था लेकिन लोडिंग वाहन का ड्राइवर वाहन को ट्रैक के पास से नहीं हटा सका और ट्रेन पास में आ गई तो ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर आ गई, उसने वाहन को हटवाया तब ट्रेन आगे रवाना हो सकी। घटना से नाराज ट्रेन के ड्राइवर ने लोडिंग वाहन के ड्राइवर को खूब फटकार लगाई और पुलिस को इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल वाहन जब्त कर वाहन चालक को पकड़ लिया है। मुरैना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तरुण भटनागर को नंदपुरा पंचायत में काफी लंबे समय से घटिया रोड के निर्माण की शिकायत मिल रही थी। उस शिकायत पर से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जौरा जनपद की एडीओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। वही टीम आज नंदपुरा पंचायत में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने गई पर नंदपुरा पंचायत के सरपंच पति ने दबंग दिखाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उस फायरिंग में जौरा जनपद के एडीओ शिवचरण साकी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई और 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जनपद पंचायत से ऑफिस कौन सी जनपद पंचायत से थे? जांच करने के लिए जांच करने के लिए डेरे ऑफिस का बात अच्छा वहाँ से ऑफिस बंद करके हम चले आए। ठीक है, भाई साहब की गाड़ी आ रहे थे इनके साथ हम जो गाड़ी में मर जाएगी। शिकायत करता कौन है? शिकायत करता ये करीब 87 लाख रुपया बराबर थी तो जिला सीओ साहब ने उसके लिए उसने दिया था जांच के लिए। जांच के लिए पार्टी हुई, जाँच करवा चलाई और जांच के बाद रिपोर्ट आई थाने में। जिला सीओ ने रिपोर्ट के लिए कहा रिपोर्ट करवाई है। बातचीत आ रही है वहाँ पे, अभी 2-3 लोग हॉस्पिटल आए हैं। इसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और 2 लोग गोली लगी है। तो फरियादी ने बताया कि किसी का नाम बताया पप्पू सिकर रहा था, वो सरपंच है तो उनका नाम बताया। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश की टीम भी भेज दी गई है, जल्दी जल्दी आ रही है। कितने लोग घायल हुए इसमें? अभी टोटल 1 की डेथ हुई है, 2 लोग घायल हैं। नानोली स्थित चंपावाग जैन मंदिर में 19 जून से 5 अगस्त तक 48 दिवसीय भक्तामण पाठ आराधना का समापन आज मुनिश्री 108 संस्कार सागर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। मंगल
आपने कभी भी ये थे अब तक की कुछ खास खबरें। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।